Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about the structure and function of nuclear membrane and nuclear pore. तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर्स के फंक्शंस के बारे में भी आप लोगों को बताया था। उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था उसी के अंदर कि एन्यूल्स क्या होते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इन सभी की बात अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। जो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब अपन बात कर चुके हैं तो बात आती है उसके अंदर रहने वाले जो भी पार्ट्स हैं वो उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो आज अपने पास में अपने बात पर जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की आज अपन बात करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअल में कैसा होता है और दूसरी उसके बारे में उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है। साथ ही साथ आज अपन ये भी बात करेंगे क्या कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होती हैं डीएनए के साथ में वो क्या होती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अपन बात करेंगे और आज न्यूक्लियोप्लाज्म के जो फंक्शन है उनके बारे में अपन बातें करेंगे क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस का एक पार्ट है। तो न्यूक्लियस के पार्ट के अंदर अपन ने पहले पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आज अपने पास में जो सेकंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आज अपन बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जिसको कैरियर लिम्फ भी अपन कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म की अपन बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अगर अपन देखें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में तो द पार्ट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या कि वो पार्ट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है वो क्या कहलाता है, या तो उसको अपन बोल सकते हैं कैरियो लिम्फ, क्या बोल सकते हैं कैरियो लिम्फ, या बोल सकते हैं कैरियोप्लाज्म, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स, ठीक है, कि वो पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है, मतलब ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी पार्ट भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म के अंदर डेट इज क्या है, वही पार्ट आपका कहलाएगा कैरियर लिम्फ या न्यूक्लियर मैट्रिक्स से कहलाता है। नेक्स्ट है कि इट हैव लो विस्कोसिटी। अगर इसकी विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो विस्कोसिटी कैसी होगी, लो होगी। अब बात आती है विस्कोसिटी होती क्या है, तो देखिए विस्कोसिटी की अगर अपन बात करें तो विस्कोसिटी ये हो गई कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लिक्विड लिया और उस लिक्विड को आपने फ्लोर पे डाला, क्या मतलब फर्श के ऊपर उस लिक्विड को आपने डाला, तो अब वो जो बहेगा, मतलब ऑब्वियसली अपन लिक्विड को डालेंगे तो आगे की ओर बहेगा, फ्लो करेगा, तो वो जो उसकी रेट ऑफ फ्लो है भाई किस स्पीड से वो बह रहा है तो वो क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। अब बात आती है विस्कोसिटी समझ में आ गई कि जब अपन किसी सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस को जब अपन नीचे डालते हैं फर्श के ऊपर फ्लोर के ऊपर डालते हैं तो वो फ्लो करता है, ठीक है, बहता है, तो वो जो बहने की उसकी जो रेट ऑफ फ्लो है ना, या प्रॉपर्टी है, वही उसकी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। अब बात ये तो भाई विस्कोसिटी के बारे में, अब देखिए कि विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी। तो अब देखिए कि अगर अपन मान लीजिए मैं पानी को लूं, ठीक है, अगर मैंने पानी को डाला तो पानी क्या हो जाएगा, जैसे पानी एक गिलास पानी डाला अपन ने फ्लोर के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, बहेगा, जल्दी से बह जाएगा, जिसकी ओर जाता है ढलान जहां पे वो सो थोड़ा चला जाएगा। लेकिन इसी के लिए बिहाफ में अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैं अगर ऑयल को डालूं, किसको डालूं, ऑयल को डालूं, तो ऑयल को जैसे ही मैं डालूंगा तो उसकी विस्कोसिटी, मतलब वो तेजी से बहेगा या कम तेजी से बहेगा, ऑब्वियसली कम तेजी से फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, गाढ़ा है कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड हो गया। तो ऑब्वियसली वो बात हो गई कि जिस लिक्विड के अंदर अगर अपन बात करें, जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो लिक्विड कैसा है। अगर लिक्विड पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ज्यादा जल्दी से बह जाएगा, है ना। और जिसकी विस्कोसिटी लो है इट मींस वो कैसा है, पतला है, गाढ़ा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा उसके अंदर जो सोल्यूट है वो थोड़े ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी से नहीं बह पा रहा है, ठीक है। तो जो गाढ़ा लिक्विड होगा उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो पतला लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्लियर है, नेक्स्ट विस्कोसिटी समझ में आ गई। तो अब कैसी है, लो विस्कोसिटी है, इट मींस कैसा है ये, इसकी जो अगर अपन बात कर रहे हैं नेचर की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, गाढ़ा है। गाढ़ा होने के कारण इस क्यों है, क्योंकि गाढ़ा होने का जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि ग्रेन्यूलर पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कि जब देखिए ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो जब ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी तो ऑब्वियसली गाढ़ा तो हो गई। होमोजीनियस होता है नेचर के अंदर, मतलब एक ही प्रकार, होमो और हेटरो दो मतलब सेम प्रकार के क्या होते हैं इसके अंदर, कि सिमिलैरिटी रखने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, इट मेनली कंटेन डीएनए और आरएनए।
अब न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, दो चीजें प्रेजेंट होंगी, तो डीएनए होगा और आरएनए होगा मेनली। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर मेनली अगर अपन बात करें तो इसके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड ये दोनों ही क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कि वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लिपिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ मात्रा के अंदर थोड़ा बहुत लिपिड भी क्या होता है इसके अंदर पाया जाता है, हल्का, मतलब इतना नहीं जितना कंपैरिजन टू डीएनए और आरएनए की कंपैरिजन करें उतनी मात्रा के अंदर नहीं, लेकिन कम मात्रा के अंदर ही सही, लेकिन इसके अंदर लिपिड की भी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, इन स्ट्रक्चर फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है, जैसे देखिए कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो तो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखिए जब भी आप डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर अगर अपन देखें तो डीएनए के अगर मैं एक स्ट्रक्चर को लूं या डीएनए थ्रेड को लूं, ठीक है, ऐसे मान लो थ्रेड ले लिया अपने डीएनए का, ठीक है, यहाँ पे देखिए डीएनए का थ्रेड अपन ने ले लिया, तो ये डीएनए के जो जो क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बाउंडेड रहती है, उन क्रोमोसोम्स के द्वारा क्या होती है डीएनए प्रोटीन क्या होगी बाउंड रहेगी, ठीक है। हिस्टोन क्या होती है, दैट प्रोटीन विच इज प्योरली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, देखिए ध्यान रखिए कि वो प्रोटीन जो केवल और केवल किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड की बनी हुई है, मतलब प्योर प्रोटीनियस प्रोडक्ट है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्योर प्रोटीनियस प्रोडक्ट है और इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आप लोगों को पता है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, मतलब अगर उसकी बेसिक यूनिट है अगर अपन प्रोटीन की देखें दैट इज अमीनो एसिड। क्लियर। So, इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि प्योर फॉर्म है किसकी, अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड की प्योर फॉर्म है तो इट मींस क्या हो जाएगा उसका मोलिकुलर वेट तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास में और कुछ तो है ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, देखिए अगर मैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो एक्सेप्ट अमीनो एसिड कंसिस्ट सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके पास में अमीनो एसिड के अलावा भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस भी क्या होते हैं पाए जाते हैं। अब देखिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस के अंदर पाए जाएंगे, इट मींस क्या होगा कि इसका वेट हाई हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो प्योर फॉर्म ऑफ क्या थी, अमीनो एसिड ही पाए जाते थे, लेकिन इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या पाएगा, मोलिकुलर वेट हाई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड के अतिरिक्त इसके पास में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन के बारे में। इसके अलावा इसके पास में कुछ एंजाइम्स वगैरह भी इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियोप्लास्ट मेनी काइंड ऑफ एंजाइम आर आल्सो प्रेजेंट, देखिए कि न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर हमने बात बताई कि स्टोन और नॉन स्टोन डीएनए और आरएनए के अलावा कुछ एंजाइम्स भी पाई जाती हैं, तो एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वो किसमें हेल्प करते हैं, डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन है ना, तो एंजाइम किसी भी अगर अपन डेट को रिएक्शन को देखें या फिर अपन कोई भी माने कि उस एंजाइम क्या करते हैं, उसके अंदर वो जाकर के जैसे मान लो अपने को डीएनए बनाना है तो डीएनए से एंजाइम आ जाएगा, है ना, तो इस प्रकार से वो जाकर के एंजाइम क्या करते हैं उसके अंदर उसकी हेल्प करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स के काम में वहां पे हेल्प, ये एंजाइम्स क्या करते हैं उस चीज को बनाने के लिए, डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर अपन देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म का तो वो डीएनए और आरएनए है, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम जो एंजाइम्स की बात करें तो ये हो जाएगा राइबोन्यूक्लियस और पेप्टिडेज। आपको पता है कि किसी के भी लास्ट में एज लग जाता है, ठीक है, तो वो एज एन एंजाइम वर्क करता है, अगर लास्ट में एज लग जाए तो एज एन एंजाइम वर्क करेगा। मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक कॉपर मैग्नीशियम एंड एक्स्ट्रा आर आल्सो प्रेजेंट, देखिए कि ऑब्वियसली केवल क्या होगा एंजाइम से, है ना, केवल लिपिड से या प्रोटीन से पार नहीं पड़ती है, उसके लिए उनको कुछ मिनरल्स की भी आवश्यकता होगी जो एज पंप काम करेंगे या उसकी जो अगर फ्लूडिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए इन सभी एंजाइम्स की भी सॉरी इन सभी मिनरल्स की भी क्या करती है अपने को आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। तो ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है इनके फंक्शंस की, तो फंक्शंस देखिए इंपोर्टेंट फंक्शन है, कमी ही है लेकिन इंपोर्टेंट फंक्शन है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनना, रेप्लिकेशन वर्ड जो अपन लेते हैं वो डीएनए की से डीएनए के बनने के लिए लेते हैं, मतलब फोटोकॉपी मान लेते हैं,
क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रैंड बनती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन नहीं बोल करके रेप्लिकेशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी बनने, रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कि डीएनए की ओरिजिनल स्ट्रैंड से डीएनए की ओरिजिनल स्ट्रैंड का ही फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहां पे इसको डुप्लीकेशन ना बोल करके अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि ये कैसी होती है, कैसे बनते हैं। क्लियर। इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड्स द नेसेसरी मटेरियल, देखिए स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के अंदर की क्या करते हैं, नेसेसरी जो भी मटेरियल है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, कौन न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद में आपको पता है प्रोटीन प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, साथ साथ इसके पास में ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, तो जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है उसको बनाने के लिए ये क्या करते हैं, नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये सारी चीजें किसके बारे में हमने डिस्कस करी है आज, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।